केवट ने कई जन्मों कई योनियों में भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या की थी और केवट की इस तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने केवट को इंसान के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद केवट मछलियां पकड़ने का कार्य किया करते थे और मछलियां पकड़कर ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। केवट के पास एक नाव हुआ करती थी जिसके जरिए वो गंगा नदी के पार जाया करते थे। राम जी को वनवास मिलने के बाद वो सबसे पहले गोमती नदी को पार कर वैश्रंग वेरपुर पहुंचे थे। इस जगह पर पहुंचने के बाद राम जी को आगे जाने के लिए गंगा नदी को पार करना था, लेकिन गंगा नदी को किस तरह से पार किया जाए राम जी इस चिंता में बैठे हुए थे। तभी उनकी नजर गंगा नदी पर खड़ी केवट की नाव पर पड़ी और राम जी ने केवट से कहा कि वो अपनी नाव से उन्हें गंगा पार ले जाएं। राम और केवट के बीच जो संवाद हुआ उसका वर्णन रामायण में कुछ इस तरह से किया गया है। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारु मर्म मैं जाना, चरण कमल रज कहूं सबु कह ही, मानुष करनी मुरी कछु अही। रामायण के अनुसार राम जी केवट को आवाज लगाते हैं और उसे कहते हैं कि नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। राम जी की आवाज सुनकर केवट उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर की शिला सुंदर सी स्त्री बन गई थी। मेरी ये नाव काठ की बनी हुई है, अगर आपके चरण की धूल पत्थर को स्त्री बना सकती है तो इस तरह से मेरी नाव पर आकर अगर आप चढ़े तो वो भी स्त्री बन जाएगी। ऐसा होने से मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी और आप भी नदी को पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप नाव में बैठने से पहले अपने पैरों को मेरे से साफ करवा लें। केवट की ये बात सुनकर राम जी उनसे कहते हैं जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। इस तरह से केवट ने आखिरकार विष्णु जी के अवतार यानी राम जी के पैरों को छू लिया और उनके पैरों को अच्छे से धोने के बाद वो राम माता सीता और लक्ष्मण को गंगा नदी के पार ले गए। आखिर केवट को ही ये अवसर क्यों मिला था, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है अब। एक कछुआ भगवान विष्णु का बड़ा अनन्य भक्त था। एक बार गंगा सागर स्नान को आए हुए कुछ ऋषियों के मुख से उसने श्री हरि के चरणों की महिमा सुनी। कछुए के मन में प्रभु के चरणों के दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। उसने ऋषियों से पूछा कि उसे प्रभु चरणों के दर्शन कैसे हो सकते हैं। ऋषियों ने बताया कि प्रभु के चरणों के दर्शन का सौभाग्य उन्हीं पुण्य आत्माओं को मिलता है जिन पर वह प्रसन्न होते हैं। उसने ऋषियों से पूछा कि प्रभु कहाँ वास करते हैं। ऋषियों ने कहा वैसे तो प्रभु सब जगह हैं, लेकिन उनका निवास पाताल लोक से भी आगे वैकुंठ धाम में है। क्षीर सागर में वह शेष नाग की शैया पर विराजते हैं। कछुआ चल पड़ा श्री हरि के धाम। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उनसे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार करा कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और तुरंत शेषनाग ने उसे भगाने के लिए जोर से फुंकारा। डरकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इसी बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वहीं क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वहीं शेष जी लक्ष्मण का और वहीं लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे। तब वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। इसी प्रकार कई योनियों में भटकने के बाद कई वर्षों कई सदियों तक तप करने के बाद केवट को ही मिला था प्रभु श्री राम के चरण धोने का अवसर और उसे प्रभु की प्राप्ति हुई।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।